हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी को पहले इस तरह से काट लेंगे और एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ रिफाइंड तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो तेल को गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को तड़कने देंगे। तो जीरा भुन गया है, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे पहले लहसुन, मिर्च, 2 हरी मिर्च है, आपको तीखा पसंद हो तो और डाल सकते हैं, और 1 मीडियम साइज प्याज लंबा लंबा पीस में कटा हुआ, और इसे भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनेंगे, क्योंकि प्याज को भिंडी के साथ ही पकाना है। तो बस प्याज को हम इतना ही भूनेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे भिंडी। और अच्छी तरह से प्याज के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। और ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक इसे पकने देंगे। बीच बीच में देखेंगे भी ताकि ये जले ना नीचे से, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। ढक्कन हटा लेंगे तो इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से क्या होता है कि जो भिंडी का लसलसापन रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी की कोई भी रेसिपी आप बना रहे हैं तो उसमें नींबू का रस का यूज कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो भिंडी हमारा 1/2 पक चुका है लगभग, और साथ में प्याज भी भून रहा है, देख सकते हैं नीचे। तो यहाँ हम फिर से ढक्कन लगा देंगे थोड़ा देर के लिए, 2 मिनट के लिए। ढक्कन हटाकर अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कलर वाला मिर्च है तो इससे तीखापन नहीं आएगा, और 1 चम्मच सब्जी मसाला, थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे 1/4 चम्मच। तो सभी मसाला डाल देंगे, और ज़्यादा इसमें मसाला का यूज नहीं करना है। अब इसे हम मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि भिंडी में हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी कहीं इसी तरह से सूखी सब्जी बनाना है। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और थोड़ा देर के लिए ढक्कन लगाकर पकने देंगे, 6 से 7 मिनट तक, और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। ढक्कन हटाकर देखते हैं, और देख सकते हैं सब्जी हमारी बनकर रेडी है। थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे लास्ट में, टमाटर तुरंत पक जाता है। टमाटर डालने के बाद एक बार और ढक्कन लगाकर 2 मिनट पका लेंगे इसको। देख सकते हैं टमाटर पक गया है। अब इसका पानी जो दिख रहा है उसे और सुखा लेंगे, और सब्जी बनकर रेडी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।